दोस्तों वर्ल्ड कप के 22वें मैच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बड़ा ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले में अफगानिस्तान ने एक बार फिर बड़ा उलटफेर करते हुए पाकिस्तान को 8 विकेट के बड़े अंतर से हराकर इतिहास रच दिया है। वहीं पाकिस्तान की शर्मनाक हार के बाद सानिया मिर्जा रो पड़ी और फिर चौंकाने वाला बयान भी दिया। दोस्तों सानिया ने भारत के दो खतरनाक गेंदबाज बुमराह और शमी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। जी हां, बताएंगे सानिया ने क्या कहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वही अगर आप भी अफगानिस्तान की जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताइएगा क्या बुमराह और शमी होते तो अफगानिस्तान को रोक पाते। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों आज वर्ल्ड कप में एक बार फिर बड़ा उलटफेर हो गया है। कमजोर समझे जाने वाली अफगानिस्तान की टीम ने इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के बाद दूसरा उलटफेर करते हुए अपनी पड़ोसी टीम पाकिस्तान को धूल चटा दिया है और इसी के साथ ही बड़ा इतिहास भी रच दिया है। दोस्तों आपको बता दें, जब मुकाबला शुरू हुआ तो किसी ने नहीं सोचा था आज पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान से हार जाएगी, लेकिन दोस्तों अफगानिस्तान की टीम ने वो कमाल कर दिया और पाकिस्तान टीम का घमंड भी पूरी तरह से तोड़ दिया। दोस्तों आपको बता दें, इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीता था और अफगानिस्तान के चार खतरनाक स्पिनरों को देखकर पहले बल्लेबाजी करना मुनासिब समझा था। हालांकि पाकिस्तान के इस फैसले को अफगानिस्तान ने अपने शानदार खेल से पूरी तरह से गलत साबित कर दिया, जहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम ने गिरते पड़ते 50 ओवर में 282 रन बनाए। इस दौरान जहां बाबर आजम ने सबसे ज्यादा 74 रन बनाए तो वहीं ओपनर अब्दुल्ला शफीक ने 58 रनों की पारी खेली, जबकि अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को रोकने में युवा गेंदबाज नूर अहमद ने बड़ी भूमिका निभाई जब उन्होंने 3 पाकिस्तानी बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर उनकी कमर तोड़ दी। वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान की टीम ने शानदार शुरुआत करी। उसके दोनों ओपनर गुरबाज और इब्राहिम जादरा ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करी और पहले विकेट के लिए 130 रनों की सच्ची साझेदारी करी। दोस्तों यहीं से ये मुकाबला पाकिस्तान के हाथ से निकल गया था। हालांकि गुरबाज को आउट करके पाकिस्तान ने वापसी करने की कोशिश करी, लेकिन आज अफगान टीम पाकिस्तान को वापसी करने का कोई भी मौका नहीं देना चाहती थी। गुरबाज के बाद इब्राहिम ने मोर्चा संभाला और 87 रन बनाकर पाकिस्तानी टीम को इस मुकाबले से बाहर कर दिया। वही अंत में अफगानी कप्तान ने नाबाद 48 रन और रहमत शाह ने नाबाद 77 रन बनाकर अफगानिस्तान को 8 विकेट से बड़ी जीत दिला दी। दोस्तों इस शर्मनाक हार के साथ ही पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना अब मुश्किल हो गया है। अफगानिस्तान ने पहली बार पाकिस्तान को हराकर उसके उम्मीदों को बड़ा झटका दिया है। वहीं पाकिस्तान के इस शर्मनाक हार पर सानिया मिर्जा ने बड़ा बयान दिया है। सानिया ने कहा, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान जैसी कमजोर टीम के सामने भी घुटने टेक देगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया से हार तो समझ आता है, लेकिन अब तो हद हो गई। कमजोर टीमों से भी हारकर पूरे देश की नाक कटाने लगे हैं। वही दोस्तों सानिया ने पाकिस्तानी टीम को जमकर खड़ी खोटी सुनाई है और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारतीय टीम से सीख लेने की भी सलाह दे डाली है। उन्होंने कहा, पाक खिलाड़ियों को रोहित, कोहली और शमी बुमराह से सीखना चाहिए कि दबाव में कैसे क्रिकेट खेलते हैं। वही सानिया ने आगे कहा, अगर इस मैच में भारत के बुमराह और शमी होते तो अफगानिस्तान को 283 रन कभी बनाने नहीं देते। वे बेजान पिच पर भी अफगानियों की गिल्लियां उखाड़ देते, जबकि शाइनशाह अफरीदी में अब वो धार नहीं रहा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, पाक की शर्मनाक हार पर सानिया मिर्जा भी काफी उदास और गुस्से में है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की इस बड़ी हार का जिम्मेदार कौन है, कॉमेंट जरूर करें।